दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से आधार कार्ड से अपना फ़ोन पे चला सकते हैं, यानी कि फ़ोन पे यूज कर सकते हैं। आप लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप चाहते हैं कि फ़ोन पे एप्लीकेशन को यूज़ करना, तो आज के हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद आप अपने फ़ोन पे को चला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है और डाल देने के बाद प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और प्रोसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का जो पासवर्ड बनाना है वो बना लीजिएगा। बना लेने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन का जो परमिशन है उसे आपको अलाउ कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे अलाउ करूँगा तो मेरा यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, तो आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। और बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट का। सिंपली से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट यानी जिस भी यानी कंपनी का बैंक अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको ऊपर में एक सर्च बॉक्स देखने को मिल जाएगा। सिंपली से इसके ऊपर क्लिक कर उस बैंक का नाम लिखकर सर्च कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर नाम लिखकर सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सिलेक्ट कर लिया हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ऐड सक्सेसफुल का, यानी कि मेरा अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लिंक का, सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो भी एटीएम कार्ड है उसका यहाँ पे लास्ट का 6 डिजिट का नंबर डालने के लिए, उसके बाद उसका वॉलेट यहाँ पे नंबर डालने के लिए। तो मेरे पास तो यहाँ पे एटीएम कार्ड ही नहीं है। मैं आपको फर्स्ट में बताया था कि किस तरह से आधार कार्ड से फ़ोन पे चला सकते हैं, यानी कि फ़ोन पे को यूज कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपने प्ले स्टोर में फिर से चले जाना है। और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है भीम ऐप। तो मैं यहाँ पे भीम लिख लेता हूँ और सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि भीम एप्लीकेशन आ चुका है। तो आपको क्या करना है, ओपन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप भीम एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हो। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिम सेलेक्ट करना है कि आप किस नंबर से यहाँ पे भीम ऐप का अकाउंट बनाना चाहते हैं, 1 से या 2 से। तो आप जिस भी से बनाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट कर लेने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे नीचे में 3 टिक लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 टिक लग चुका है और 3 टिक लगना स्टार्ट हो चुका है। और वो हो जाने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रजिस्टर न्यू पासवर्ड का। तो आपको भीम ऐप को ओपन करते वक्त आपको ये पासवर्ड मांगेगा। तो आपको ध्यान रखना है मैं कौन सा पासवर्ड रखूँ जो मुझे याद रहेगा। तो आपको अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेना है। और बना लेने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट का। तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को आपको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक को सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक को इसमें ऐड करना चाहते हो। तो इसमें नाम आ रहा है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो फिर आपको ऊपर में ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्च का। तो सिंपली सा सर्च के ऊपर क्लिक कर उस बैंक का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे टिक देखने को मिल जाएगा, तो टिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका भीम ऐप का सक्सेसफुल अकाउंट बन जाएगा। तो बन जाने के बाद आपको ऊपर में प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली सा प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरा बैंक अकाउंट का। सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे का देखने को मिल जाता है फॉरगेट UPI पिन का, यानी कि पिन बनाने का और यहाँ पे फॉरगेट करने का दोनों सेम प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट UPI पिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा
दो ऑप्शन, जैसे कि पहला एटीएम कार्ड का और दूसरा यहाँ पे आधार कार्ड का। तो मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है तो मैं आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोसेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और हो जाने के बाद आपको जो भी आधार कार्ड का 6 अंक फर्स्ट में होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है और डाल देने के बाद आपको नीचे ओके का बटन दिया जाएगा, सिंपली साइज के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड पे यानी कि जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस पे ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिल करने के बाद ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस पे यहाँ पे ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे ऊपर में डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे कहा जा रहा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन, जैसे कि आपको कभी 6 डिजिट का दिया जाएगा या फिर आपको 4 डिजिट का दिया जाएगा, यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन सेट कर लेना है और सेट करने के बाद ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए फिर से आपको वही वाला यूपीआई पिन डालना है जो आपने पहले डाले थे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और इतना करने के बाद आपको अपना फोन पे एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से देखने को इंटरफेस मिल जाएंगे। तो आपको फिर से यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैंक अकाउंट का, सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऊपर में देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेरा यूपीआई पिन सेट हो चुका है और सेट होते ही यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फोन पे एप्लीकेशन को आधार कार्ड से चला सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताए हैं उसी तरह से आपको सेम प्रोसेस करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीख लिए होंगे कि किस तरह से फोन पे एप्लीकेशन को आधार कार्ड से चला सकते हैं। तो सीख लिए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।